तुम सिर्फ अपने आप को तकलीफ दे रहे हो भाई। तुम्हारे डैड को तुम्हारे इस रवैये से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आपको भी मेरी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं तुम्हारे डैड के किसी फैसले के रास्ते में नहीं आ सकती राही। मेरा साथ तो दे सकती है ना, एक बार, बस एक बार बाबा से बात कर सकती है, कोशिश कर सकती है उन्हें मनाने की मेरी खातिर। बस करो राहिल, तुमने ये सोचा भी कैसे? मैंने नहीं सोचा, क्योंकि मोहब्बत सोच समझ कर नहीं होती मॉम, दिल का कोई इख्तियार नहीं होता इसमें। मैं लीना से मोहब्बत करता हूं और मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है कि वो किसकी बेटी है। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो, और तुम्हें फर्क पड़े या ना पड़े, मुझे और तुम्हारे डैड को इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। तुम उसे इस घर में बीवी बना के लाना चाहते हो जो घर तुम्हारे डैड का है। कभी भी नहीं चाहेंगे कि दुश्मन की बेटी इस घर की बहू बन जाए। ठीक है, कुछ जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं मानेंगे तो मैं घर छोड़ के चला जाऊं। तुम उस लड़की के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दोगे? तो और क्या करूं मैं, बताइए ना, और क्या करूं? अगर आप मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी नहीं दे सकती तो मुझे और क्या एक्सपेक्ट करती है, क्या करूं मैं? तुम अपने डैड से ताल्लुक खत्म कर सकते हो राही, मगर अपनी नस्बत नहीं तोड़ सकते उनसे। तुम हमेशा उन्हीं के बेटे रहोगे, और सिर्फ तुम्हारे डैड नहीं, समी भी इस रिश्ते से कभी राजी नहीं होगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी एक ऐसे शख्स के बेटे से हो जाए जिससे वो सख्त नफरत करता है। आगे तुम्हारी मर्जी।